Hi, good evening everyone. Welcome to the amazing YouTube channel Study Point. कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका एक बार फिर से हमारे इस अमेजिंग से लेक्चर में स्वागत है. आज के इस बेहतरीन लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप एंड ईथर. ईथर रह गया था लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप. जितने भी फंक्शनल ग्रुप रह गए थे ईस्टर से लगा करके और एमीन तक, वो सारे हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिए हैं. तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ईथर. सबसे पहले ईथर पढ़ेंगे. ईथर का नाम कैसे करते हैं? क्योंकि ईथर एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस वजह से इसको हमने अलग रखा है. फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे करते हैं, मतलब उसमें मिक्स सारे, बहुत सारे आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप एक साथ, तो उनका नाम कैसे करते हैं वो देखेंगे. लेकिन इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें. आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को फटाफट से प्रेस करिए और लोगों को ये शेयर करिए कि स्टडी पॉइंट पर लेक्चर नंबर 9 आ चुका है, जाइए और जाकर के लेक्चर को देखो, ठीक है. और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो जाइए, जाकर के फटाफट से फॉलो करिए. नाम है स्टडी पॉइंट और टेलीग्राम पर आप जब सर्च करेंगे तो आपको सर्च क्या करना है, केमिस्ट्री विद सौरभ सर, ठीक है. ये आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है. नाउ अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 9 पर. इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर आपके लिए चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है. और आप लोगों ने देखे भी होंगे उन लेक्चर्स को. इसमें हम लोगों ने इन 8 लेक्चर में क्या किया है एक बार हम आपको बता देते हैं. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था. इसके बाद हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नाम कैसे करते हैं वो बताया. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नाम कैसे करते हैं वो तीसरे लेक्चर में बताया. चौथे लेक्चर में हमने आपको साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे करते हैं वो बताया. फिर उसके बाद हमने आपको साइक्लो कंपाउंड्स के नाम कैसे करते हैं, बाईसाइक्लो स्पायरो का नाम कैसे करते हैं वो बताया. फिर हमने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किया. फंक्शनल ग्रुप में हमने आपको पहले दिन ओवरव्यू और 3 फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में डिस्कस भी किया. उसके बाद जस्ट लास्ट वीडियो जो एर्थ वीडियो था उसमें हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके डिटेल में डिस्कस किया था एमीन तक, ठीक है. वो सब आप लोगों ने देख लिए होंगे. अगर नहीं देखा है, बाई मिस्टेक कुछ छूट गया है आपका, कोई लेक्चर रह गया है, तो जाइए, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाओ और जाकर के सारे वीडियोस को देखो. जो भी आपने मिस किया है उसको देखो, ठीक है. और प्लेलिस्ट शेयर भी करिए आप लोग, ठीक है. चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आज के इस अमेजिंग से लेक्चर में. तो चलो भाई, आज हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप कुछ नया पढ़ने वाले हैं. इससे पहले ईथर को पढ़ लें, ईथर क्या कहता है. तो आइए ईथर देखते हैं. तो ईथर जो है ना बेटा, ये एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, ये एक प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं इसको. किसकी तरह? प्रीफिक्स की तरह, ठीक है बेटा. और इसको लिखते कैसे हैं? तो लिखने के लिए आपको पता है कि नॉर्मल तो हम लोग लिखते ही हैं एल्केन, वो तो लिखते ही हैं रूट वर्ड और साथ में प्राइमरी सफिक्स मिलाकर, वो तो लिखा ही जाता है. और उससे पहले अगर आपको ईथर दिख रहा है तो आप एल्कोक्सी पहले जोड़ देंगे, क्योंकि प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी, ठीक है. अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, शायद आपको भी हो, तो देखते रहो, क्लियर हो जाएगी कि किसे हम एल्कोक्सी लिखते हैं और किसे हम एल्केन लिखते हैं. तो अभी पेन नीचे रख दो और चेहरा अपना ऊपर करो और समझो ध्यान से कि किसे एल्केन लिखते हैं और किसे एल्कोक्सी लिखते हैं. देखो, सबसे पहले आपको ईथर को पहचानना है. कैसे पहचानेंगे? अगर बीच में ऑक्सीजन और इस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों जगह आपको कार्बन मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ईथर का ये ग्रुप है, ये ईथर लगा हुआ है. पहचान लिया? अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उसमें कौन सी है। दो चेन होंगी इसमें, एक ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड वाली, एक ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड वाली। तो आपको ये देखना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको हम लोग एल्केन लिखते हैं, यानी पेरेंट चेन होगी वो एल्केन, और जो छोटी चेन होगी, स्मॉल जो चेन होगी जिसमें कम कार्बन होंगे, उसको हम लोग एज एल्कोक्सी लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। जो बड़ी कार्बन चेन होगी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो एज अ पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी, और जिसमें कम कार्बन होंगे वो एल्कोक्सी की तरह लिखी जाएगी, जैसे पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब मैं इसका नाम आपको बता रहा हूं कैसे नाम लिखा जाता है। देखो, अब जो मैंने बताया उसको आप ध्यान से समझें। अगर तो मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन के दो साइड पर आपको कार्बन चेन मिलेगी। ठीक है, यहां पर भी कार्बन चेन आपको मिली और यहां पर भी मिली। अब मैंने दूसरा बताया कि आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है। इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन, तो यानी कि ये वन और ये टू, ये आपकी पेरेंट चेन हो गई। एकदम क्लियर। जो स्मॉलेस्ट चेन है वो हमने क्या बताया, जो स्मॉलेस्ट चेन है, जो स्मॉलेस्ट चेन होगी ना बेटा, वो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट चेन होगी जैसे कि ये है, जो ये एल्कोक्सी की तरह लिखी जाएगी। तो यानी कि लिखा क्या जाएगा, मेथॉक्सी, और वो भी पोजीशन, ये पहली पोजीशन पर आया है मेथॉक्सी, तो नाम लिखा जाएगा वन मेथॉक्सी, वन मेथॉक्सी। एक सेकेंड, नाम होगा वन मेथॉक्सी, और मेथॉक्सी हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, अब इसके बाद आपका मेन चेन लिखा जाएगा। दो कार्बन की पेरेंट चेन है तो इसलिए क्या लिखेंगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे बेटा, ई। इज दैट क्लियर? देखिए, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम समझ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा भी डाउट है ना तो अगले क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर डाउट है आपके दिमाग में तो अगले क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट से इसका नाम बताइए, नाम क्या लिखेंगे हम लोग इसका, इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा बताओ। चलो देखो, इसमें वही चीज आपको देखनी है कि दो चेन है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी है और राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है, दोनों चेन आपको दिख गई। अब आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है। तो एक तरफ तीन कार्बन है, एक तरफ बेटा दो कार्बन है, तो जो तीन कार्बन वाली चेन है वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री हो गए। अब क्या करना है, यानी कि ये जो है ये यूज होगा एज अ एल्कोक्सी। एल्कोक्सी के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो कार्बन है ना, छोटी चेन में कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या यूज होता है, एथ, और बाद में ऑक्सी, तो हो जाएगा वन इथॉक्सी, वन इथॉक्सी। और इसके बाद तीन कार्बन की चेन है इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, बताइए कितने कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की चेन है इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, वन इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना एकदम क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या करेंगे सर, दोनों तरफ बराबर कार्बन की चेन आ गई तो कोई बात नहीं, किसी भी एक साइड आप एल्कोक्सी ले लो और किसी भी एक साइड आप क्या ले लो, एल्केन। तो यानी कि अगर मान लेते हैं ये हमने ले लिया एज एल्कोक्सी और ये है एल्केन, तो नाम हो जाएगा इसका वन इथॉक्सी, वन इथॉक्सी इथेन। इज इट क्लियर? बहुत आसान, बहुत आसान, एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और करना आप लोग शुरू कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए देखो भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, वन टू थ्री,
तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और नीचे ये है आपका, ये जो है ये एल्कोक्सी है, तो आएगा क्या, टू मिथॉक्सी, आया टू मिथॉक्सी। और इसके बाद क्या लिखेंगे, तीन कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा प्रोप और फिर एन, प्रोपेन, एकदम क्लियर, टू मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पर नंबरिंग यहां से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये तो सबसे पहले टू डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, टू डिग्री प्रीफिक्स, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हैं आपको याद है ना, सबसे पहले टू डिग्री प्रीफिक्स, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर वन डिग्री सफिक्स, फिर टू डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू डिग्री प्रीफिक्स यानी कि वन इथॉक्सी, लिखा आप लोगों ने लिखा वन इथॉक्सी, अब क्या लिखेंगे, वन डिग्री प्रीफिक्स, वन डिग्री प्रीफिक्स यानी साइक्लो, साइक्लो लिखा, ओके साइक्लो लिख दिया, छह कार्बन के लिए रूट वर्ड लिखते हैं हेक्स, लिख लिया, ओके रूट वर्ड लिख दिया, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे, एन प्राइमरी सफिक्स, ओके तो हो गया वन इथॉक्सी साइक्लो हेक्सीन। क्या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या, नहीं कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पर उपलब्ध नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर चलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है, अब आपको दिख गया होगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप। चलो भाई अब आप लोग बताइए कि नंबरिंग किधर से करेंगे, ठीक है भाई, अब आप लोग ये बताएंगे कि नंबरिंग किधर से करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रीफिक्स से ज्यादा किसको नंबर देते हैं, डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग इधर से होगी वन, ये टू, ये थ्री, और फिर ये नीचे आ जाइए आप तो हो जाएगा फोर, ठीक है। और ये तीसरी पोजीशन पर आया इथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले थ्री इथॉक्सी, लिखा थ्री इथॉक्सी, ओके। और इसके बाद क्या करेंगे, हम रूट वर्ड लिखेंगे, कितने कार्बन है, चार, तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। फिर पहली पोजीशन पर है डबल बॉन्ड तो आएगा ईन, नाम हो जाएगा इसका बेटा थ्री इथॉक्सी ब्यूट वन ईन, इज इट क्लियर, ओके ठीक है। तो अब हम लोग एक बार देख लो दोबारा से, और ईथर में अगर कोई भी क्वेश्चन है ना आपका, तो आप एकदम आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी लास्ट आज जो है ना वो सेकंड लास्ट लेक्चर है आपका आईयूपीएसी का, अभी जो अगला लेक्चर होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो जनरली आपसे छिपा लिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता आपको, तो उसका नाम कैसे करते हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है, कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके सामने आ जाएंगे तो उनका कॉमन नेम क्या होता है, उनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे लास्ट लेक्चर में, ओके। तो अभी चलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप की तरफ, अब आपके लिए, अच्छा कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए, मतलब रिवाइज इन द सेंस उनका कहने का मतलब ये है कि सर जैसे चार चार एमसीक्यू टाइप बना करके और चार चार ऑप्शन बना करके और आप एक बार यूट्यूब पर इसका लाइव आप टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, तो उसकी शायद जरूरत ना पड़े क्योंकि हम आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप में सब कुछ बता दे रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी जरूरत लग रही है कि एक बार टेस्ट करा दीजिए, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको उसी में, आपको सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड, साइक्लिक और स्पाइरल, ये सब अगर आपको करना है, मन अगर आप लोगों का है कि सर एक बार टेस्ट ले लीजिए, तो हम वो भी करने को तैयार हैं, बस आप पहले बताइए कि हाँ चाहते हैं या इसी से काम चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर तो आपके लिए स्टडी पॉइंट अवेलेबल ही है ना, सब कुछ कराएंगे हम आपके लिए, सो डोंट वरी। चलिए भाई चल
अब देखो ये जो है यहाँ पर पॉलीफंक्शन ग्रुप में जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, चलो नहीं कोई कर पाया है तो कोई बात नहीं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, फिर ये देखते हैं साइड चेन कितनी है, ठीक है ना? तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ठीक है सर, एकदम से हमें ये दिखा कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल मिल गया। ओके, थोड़ा सा और ऊपर चले तो हमें ये अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं ईथर, जस्ट अभी, ठीक है? तो ये ईथर मिल गया, प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, ये ब्रोमीन मिल गया, ये क्लोरीन मिल गया, सब साइड चेन है, सिर्फ एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग अब किधर से करेंगे? तो नंबरिंग हम करेंगे इधर से, वन ये होएगा, टू ये होएगा, थ्री फोर फाइव और ये होगा सिक्स। ओके, हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाए कि सर नंबरिंग इधर से भी तो की जा सकती थी, क्लोरीन से और फिर ब्रोमीन की तरफ जाइए और नंबरिंग करिए, ठीक है? या क्लोरीन से इस तरफ करेंगे तो भी तो नंबरिंग हो सकती थी, क्लोरीन से नंबरिंग हो नहीं सकती, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि अगर एल्कोहल से आप क्लोरीन की तरफ जाकर के नंबरिंग करेंगे तो आपको जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 1, 2, 5, 1, 2, 5 and 6, ठीक है? और जब आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो आपको नंबर मिले 1, 2, 3 and 4, ये आपको नंबर मिल गए, ठीक है? तो 1, 2, 3 and 4 जो नंबर 1, 2, 3 and 6, तो इसको जब हम ऐड करेंगे ना तो लोएस्ट लोकन रूल को अकॉर्डिंग ये फॉलो करता है, इस वजह से ये लिखा। अब लिखा कैसे जाएगा, नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने का जो तरीका है वो वही रहेगा, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है? तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन आएगा बेटा? ब्रोमो, क्लोरो और ये आपका इथॉक्सी वाला है, ठीक है? तो नाम क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। तो नाम होगा इसका 3-bromo, सबसे पहले क्या आता है बेटा? ब्रोमीन। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 3-bromo, लिख दिया 3-bromo। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा? फिर लिखा जाएगा 6-chloro, 6-chloro, ओके 6-chloro हो गया। फिर लिखा जाएगा बेटा सेकंड पोजीशन पर आपको ये प्रोपॉक्सी है, दिखा तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, और साथ में ऑक्सी जोड़ देते हैं, तो हो गया 3-propoxy, 3-propoxy, ओके। यानी कि ये आपका इतना सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया है। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स पर, क्लोज चेन है, साइक्लो लिखा जाएगा, लिख दीजिए, लिख दिया साइक्लो। रूट वर्ड में आएंगे, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखा जाएगा? हेक्सेन। और पहली पोजीशन पर एल्कोहल है और ये यूज होगा एज अ प्राइमरी, ये यूज होगा एज अ सेकेंडरी सफिक्स, एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं? ओ एल ऑल, ठीक है? और यहाँ पर दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकते इसलिए पुराना वाला ई कैंसिल हो जाएगा। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत अमेजिंग सा लेक्चर है ये, बहुत आसान सा लेक्चर है, और अगर आप लोगों ने आसानी से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो कोई भी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये लेक्चर अगर आप लोगों ने देख लिया अच्छे से और इसके क्वेश्चंस कर लिए ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने समराइज कर लिया है, सारे कई सारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ गए, ठीक है ना? जो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कई जगह पर आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे जेई का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर नीट का पेपर हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, उन सब को हमने यहाँ पर ला करके एक साथ रख दिए हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईयूपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है? जो पूछे भी गए हैं वो वाले क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसका नाम कैसे करेंगे? आप लोगों को सबसे पहले ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। नीचे आएंगे तो ये आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो ये आपको सल्फोनिक एसिड दिखेगा, इधर आएंगे तो ये आपको कीटोन दिखेगा, दिखेगा, ओके। तो बेटा जब जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका मतलब सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। तो अब जो बचे ग्रुप हैं वो सब प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
जो आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सो, ठीक है ना। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉरी फॉर्माइल। एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो तब यूज करते हैं जब ये इसका कार्बन काउंट हो रहा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल। और कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। और सल्फ्यूरिक सॉरी SO3H के लिए क्या यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स? सल्फो, ठीक है। और ये जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो क्या लिखा जाएगा? ओइक एसिड। तो टोटल कार्बन इसमें इसमें कितने हैं? 7 कार्बन है। टोटल कार्बन जब काउंट करोगे तो कितने कार्बन आएंगे? 7। तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? नाम में लिखेंगे 3 फॉर्माइल। और इसके बाद क्या लिखा जाएगा? 6 ऑक्सो। 3 फॉर्माइल, 6 ऑक्सो। 6 पोजीशन पर क्या है? ऑक्सो। और फिर कौन सी पोजीशन पर है? 4th पोजीशन पर आपको क्या दिया हुआ है? सल्फो, ठीक है। 4 सल्फो और 4 सल्फो। इसके बाद ये आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। अब प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है? कुछ नहीं है। तो आ जाते हैं रूट वर्ड पर। रूट वर्ड में टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 7। टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। इसलिए क्या लिखते हैं? हेप्ट सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ईन। और आप बताइए पहली पोजीशन पर आपको क्या ओइक एसिड मिल रहा है? ओके। कब लिखते हैं ओइक एसिड? कब लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड? जब होता है कार्बन इंक्लूड पेरेंट चेन में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड होता है तो लिखा जाता है ओइक एसिड, और जब नहीं इंक्लूड होता है तब लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके चलिए भाई, एकदम आसानी से समझ में आने वाले क्वेश्चन हैं, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन है। ओके चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जिस ईयर क्वेश्चन आया था बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया। क्यों गलत किया मैं बताता हूं आपको। देखो अभी आप एक बार ट्राई करिए, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको देखते हैं करना कैसे। चलो देखना भाई क्या गलती करी है। देखो आप लोगों ने किया क्या होगा वो मैं बताता हूं, कि आप इधर से चले और इधर की तरफ आ गए होंगे नंबरिंग करते हुए। अगर नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ईस्टर का ग्रुप है, ठीक है। और अगर आपने इसके कार्बन को काउंट कर लिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग फिर कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। टोटल कार्बन होंगे 5, ठीक है भाई। टोटल कार्बन कितने होंगे? 5 कार्बन होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अगर ईस्टर यूज होता है एज अ प्रीफिक्स तो क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है? चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नोट्स बनाए थे ना, तो उसमें क्या लिखा था? इसके लिए क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यहां पर बताइए 2 कार्बन है इसलिए क्या लिखा जाएगा? इथॉक्सी कार्बोनिल। कौन सी पोजीशन? 4th पोजीशन। तो 4th पोजीशन पर क्या लिखेंगे? 4 इथॉक्सी कार्बोनिल लिख दिया। ओके 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। और इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन के लिए बेटा लिखते हैं पेंट। अब प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या है? वो है डबल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? ईन। कौन सी पोजीशन? 3। तो 3 ईन, इतना हो गया सर। अब आएगा आपका बचा हुआ सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? 1 ओइक एसिड है कि नहीं है? ई कैंसिल कर दें क्या? बिल्कुल कर दीजिए सर, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ गए, हर टाइप के क्वेश्चन करा देंगे जिससे कि आपका एकदम दिमाग पूरी तरीके से खुल जाए कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है।
ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए 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 भाई आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या नाम लिखा जाएगा, कैसे करेंगे सारा कुछ। अब थोड़ा थोड़ा आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए जिससे कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएं। चलिए बताएं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलो भाई देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप हैं ये, एक यहां पर आपका एल्डिहाइड का है और एक यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का दिख रहा है। तो नंबरिंग यहां से ही होगी, 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन आपको दिख गए। टोटल कितने कार्बन हैं, पांच कार्बन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरी पोजीशन, तीन है सॉरी, दो मैंने बताया तीन है, एक कीटोन भी है तीसरी पोजीशन पर। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड के लिए प्रिफिक्स ऑक्सो तब यूज होता है जब उसका कार्बन काउंट हो, नहीं हो तो फॉर्माइल लिखा जाता है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, फॉर्माइल सॉरी कीटो, क्योंकि कार्बन काउंट हुआ है तो क्या लिखेंगे बेटा। और कीटोन के लिए भी ऑक्सो लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3.5 ऑक्सो। इसके लिए कीटो नहीं लिख सकते क्या, कीटोन के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं, और अगर लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं कि गलत हो जाएगा, सही होगा। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं ऑप्शंस, तो इस वजह से मैंने इसका ये आंसर लिख पाया। ठीक है, 3.5 डाई ऑक्सो होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ओके डाई ऑक्सो होगा। देखिए ये हो जाएगा डाई ऑक्सो, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन है पांच, तो लिखेंगे क्या, पेंट। और इसके बाद क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए, पेंट के बाद टोटल सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए एन, और पहली पोजीशन पर आपको क्या मिल गया, ओइक एसिड, और इस वजह से ये जो ई है ना ये कैंसिल आउट हो गया। चलिए बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है अगर, तो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तीन कार्बन है, तीनों कार्बन पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और बीच वाले यानी सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर आपको हाइड्रोक्सिल भी मिल रहा है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। अगर आपको तीनों कार्बन नहीं आप शामिल कर पा रहे हो इन फंक्शनल ग्रुप के, तो आपको तीनों नहीं काउंट करना है, लेकिन ये लिखे जाएंगे एज अ सफिक्स ही। ठीक है, और प्रीफिक्स कौन लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी यानी एल्कोहल। तो ये हो गया 1, 2 एंड 3, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन लिख गए। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और इसके बाद तीन कार्बन है इसलिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप, फिर एन, और इसके बाद क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर, एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये आपको एसिड हैलाइड मिला, बाकी दो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको पता है नंबरिंग इधर से ही करेंगे, 1, 2 एंड 3। तीसरी पोजीशन पर आपको एसिड हैलाइड मिला, तो एसिड हैलाइड के लिए बेटा हम लोग प्रीफिक्स में क्या लिखते थे, याद है, नहीं याद है, याद करो, क्या हमने आपको हेलो फॉर्माइल बताया था, क्या याद आया। तो हेलो फॉर्माइल के लिए यहां पर क्या लिखा जाएगा, क्लोरो जो है क्लोरीन दिया हुआ है, सीओ सीएल दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका, 3-क्लोरो फॉर्माइल। ठीक है, तो नाम लिखेंगे पहले 3-क्लोरो फॉर्माइल, लिखा 3-क्लोरो फॉर्माइल, और इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स साइक्लो, फिर टोटल तीन कार्बन तो प्रोप, फिर एन, प्रोपेन हो गया। फिर इसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, 1.2 डाई और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर,
सारी चीजें एकदम आसान से क्लियर होती चल रही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, 5 कार्बन का टोटल क्वेश्चन है। चलिए बताइए नाम क्या लिखा जाएगा। देखो भाई, इसका नाम क्या लिखेंगे, जो नंबरिंग होगी वो दर्ज होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ पोजीशन पर आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सो, तो हो जाएगा 5 ऑक्सो 5 ऑक्सो। 5 पर ऑक्सो हो गया, प्रीफिक्स खत्म। अब आएगा रूट वर्ड। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एन और 1 ओइक एसिड। इज इट क्लियर? और यहां से ई कैंसिल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान ऊपर देखो, एकदम स्क्रीन की तरफ देखिए और थोड़ा सा समझ लो और फिर इसको आप करना। देखो, सबसे पहले नंबरिंग बेटा, हम आप लोग गलती क्या करते हैं, नंबरिंग कहाँ से शुरू कर देते हो, ये रिंग से आप तो नंबरिंग शुरू करते हो लेकिन चले जाते हो इस तरफ। ये आप लोगों ने किया हुआ है इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने नहीं, मतलब आप जैसे बच्चों ने किया है, गलती करते हो इस वजह से हम बता रहे हैं, ठीक है? तो इधर नहीं आना है, रिंग को ही काउंट करना है, रिंग को ही पूरी नंबरिंग देनी है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, तो टोटल कार्बन हो गए 6। तो अब क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ है ना, इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको पूरा अलग से मान लो, ये रिंग ना होती तो इसको कैसे लिखते, तो इसको कैसे लिखा जाता तब बताइए। तो यहां पर हम नंबरिंग करते तो ये होता 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे लिखते इसको। तो इसके लिए क्या लिखा जाता, 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन है इसलिए क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूटाइल। प्रीफिक्स कितने तरह लिख रहे हैं ना, तो ब्यूटाइल। अब इसको पूरे एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अब जो आपकी मेन चेन है उस पे कौन सी पोजीशन पर ये लगा है, तीसरी, तो लिख दिया 3 3 ऑक्सो ब्यूटाइल। अब आ जाओ रूट वर्ड पे, टोटल प्राइमरी प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, हो जाएगा साइक्लो। फिर उसके बाद क्या होगा, हेक्सेन, हेक्स ए, और पहली पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से अब आपको कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस चाहिए। जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप करेंगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ऐसे नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन आपको कराते हैं और फालतू का वो आना है, नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चंस हैं कराते हैं एकदम वैसे क्वेश्चन जिनका कोई मतलब ही नहीं है, आपको दिखेंगे तो नहीं दूर दूर तक आपके एग्जाम में, तो वो कराने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फील गुड कराने का कोई मतलब नहीं है आपको, है ना? तो आप इन्हीं में फील गुड करने की कोशिश करिए, अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है तो अच्छा है ना? तो आप बहुत, आपका अगर लेवल कम है तो एकदम 0 लेवल से हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है? आपको दोबारा से देखने की जरूरत है। अगर आपसे ये क्वेश्चन थोड़े से भी आपको लग रहा है कि यार समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हो रहा है ये, तो आप एक बार दोबारा से सारे लेक्चर्स को देखो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है? कुछ है नहीं इन क्वेश्चन में, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये सब। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नंबरिंग किधर से करेंगे आपको अब तक पता चल चुका होगा, कुछ लोगों ने नंबरिंग नाम भी लिख लिया होगा, तो 1 2 3 4 5 6। क्या आपको तीसरी पोजीशन पर एमाइड दिख रहा है? हमें दिख रहा है, ये रखा है आपका एमाइड, CONH2। ओके, एमाइड के लिए क्या कोई बता सकता है कि हम लोग प्रीफिक्स क्या लिखते थे? कार्बामोइल, क्या किसी ने बोला क्या? कार्बामोइल, ठीक है? तो कार्बामोइल हम लोग लिखते थे, तो तीसरी पोजीशन पर है तो इसलिए क्या लिखेंगे बेटा, 3 कार्बामोइल, कार्बामोइल। ओके, तीसरी पोजीशन पर आ गया कार्बामोइल। फिर क्या लिखेंगे, साइक्लो। ओके, हो गया साइक्लो, ठीक है? फिर हेक्सेन, हेक्स एन, और फिर पहली पोजीशन पर आपका क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ है नहीं, बस एक बार आप पहले करके देखो, ट्राई करके देखिए कि क्या हो रहा है और फिर आप मैच करिएगा ना कि यही लिखा है या कुछ और लिखा है। ठीक है, चलो देखो, बताएं। देखो इसमें आप लोगों ने नंबरिंग क्या करी होगी, गलती क्या करते हो, नहीं करी है तो देख लो गलती क्या करने के चांसेस रहते हैं। 1, 2 और 3 ये आप लोग करते हो, इसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर से बता रहा हूं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा चुके हैं जो शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, जिसमें भी ईस्टर आया था तो वहां पर अगर आपको याद आ गया हो तो वहां पर भी आप लोगों ने यही गलती करी थी। यहां पर ये गलती नहीं करनी है, ये वाले कार्बन को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होगा, यानी प्रीफिक्स की तरह पूरा का पूरा लिया जाएगा। ठीक है, तो ईस्टर के लिए क्या लिखते थे, क्योंकि एक प्रीफिक्स है इसलिए इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, तो क्या लिखा जाएगा, 2-methoxy और आगे कार्बोनिल, 2-methoxy कार्बोनिल, 2-methoxy कार्बोनिल, यही लिखा जाएगा क्या, एक सेकेंड, 2-methoxy कार्बोनिल। ठीक है, 2-methoxy कार्बोनिल, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 2, इसलिए क्या लिखा जाएगा, 8, फिर एन, और पहली पोजीशन पर आपको क्या दिखा दिया, ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा इसका क्या, इथेनोइक एसिड। सो क्लियर, इज इट क्लियर, एकदम समझ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने ही वाला है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी तरफ, क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। देखो चाहे ईथर ईथर हो या एमीन हो, दोनों को कैसे लिखते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, चाहे ईथर हो चाहे एमीन हो, दोनों को कैसे लिखते हैं, एज अ प्रीफिक्स ही लिखते हैं। ठीक है, इजंट इट, हो गया। ओके, देखो अभी हमने लास्ट क्लास में आपको, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको एमीन पढ़ाया था, तो यहां पर यही एमीन है वो, ठीक है, और ये 2 डिग्री एमीन है, बल्कि 3 डिग्री एमीन है, यहां से देखेंगे तो देखो 2 डिग्री एमीन है, सॉरी 2 डिग्री एमीन है ये, यहां पर एक इथाइल लगा हुआ है और ऊपर एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखते थे हम लोग, एन इथाइल लिखते थे, याद आया, एन इथाइल। ठीक है, और साथ में एमीनो, एन इथाइल एमीनो, क्योंकि ये प्रीफिक्स में कितना यूज हो रहा है, इतना लिख दिया। अब देखते हैं नंबरिंग एक बार, 1, 2, 3, 4 मेन चेन में फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है ये, तो इसका नाम यहां पर हो जाएगा 4-N-ethylamine। ओके, अब एकदम नॉर्मल है, अब क्या करना है, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख देंगे, एन लिख देंगे सिंगल बॉन्ड, और 1 ओइक एसिड लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, एकदम आसान बना देंगे, इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे कि एकदम आसान हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपका धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं का मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर इसको कहते हैं ना, कि कोई भी आपको क्वेश्चन करा ले, कहीं से भी क्वेश्चन करा ले, अगर आपने हमसे पढ़ाया ना तो क्वेश्चन तो 100% होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्या दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 हो गया, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 3, ये 4, ये 5 पर लगा है मिथाइल, 6, और यहाँ पर 6 पोजीशन पर ही आपको क्या दिखा दिया गया है, सल्फो ग्रुप, यानी सल्फो प्रीफिक्स की तरह यूज हो जाएगा।
तो दो आपको प्रिफिक्स दिए गए हैं, एक है फाइव मिथाइल, ये फाइव लिखा हुआ है, फाइव मिथाइल, फिर दिया गया है आपको सिक्स सल्फो, ओके, छह कार्बन है इसलिए लिखा गया है हेक्स, एन और वन ओइक एसिड, इज इट क्लियर, और ई कैंसिल, ओके, बोलो, एकदम आसान है क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आने वाला है, मतलब कुछ कुछ दिख रहा है, और अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, चलो भाई, इसमें भी थोड़ा ध्यान से करिएगा, देखो, यहां पर क्या है, आप गलती करेंगे, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है एसिड हैलाइड का, है कि नहीं है, एसिड हैलाइड का है ना, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, क्लोरोफॉर्माइल, तो ये हो जाएगा क्लोरीन है इसलिए क्लोरोफॉर्माइल, नाम 1 2, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है, 6 है ना, 6 कार्बन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के लिए क्या, 4 क्लोरो फॉर्माइल, 4 क्लोरो फॉर्माइल, और टोटल कार्बन, और तीसरी पोजीशन पर भी अभी है मिथाइल, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ओके, और इसके बाद बेटा टोटल कार्बन है 6, इसलिए क्या लिखते हैं, हेक्स, फिर एन और एन वन ओइक एसिड, वन ओइक एसिड, ई कैंसिल क्योंकि ओइक एसिड आ गया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये, चलो इसमें देखो दो फंक्शनल ग्रुप हैं क्या, ये मेन है, प्रायोरिटी में ये बड़े हैं, तो इसलिए यहां से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ओके, तो आपको मिला है फिफ्थ पोजीशन पर, कौन मिल गया फिफ्थ पोजीशन पर, कीटोन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सो, ऑक्सो लिख दें क्या, लिख दिया क्या आपने ऑक्सो, ओके, तो फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हेक्सेन सर, क्योंकि 6 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड है, हेक्सेन हो गया, इसके बाद वन ओइक एसिड हो गया, एकदम आसान, क्लियर, ओके, एकदम क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई बताइए, ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, अब ये बताओ कि नंबरिंग ये फाइव अब कहां पर जाए, इधर नीचे की तरफ चले जाए या उधर जाए, तो अगर आप इधर जाओगे ना तो बेटा इस एल्डिहाइड की तरफ अगर गए तो आपको 6 ही कार्बन मिलेंगे, और यहां आएंगे तो 6 और 7 कार्बन मिल जाएंगे, मिल गए, तो वो हमको ज्यादा देखना है क्योंकि अब तो प्रीफिक्स की तरह ही यूज हो रहा है ना, तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करेंगे, तो फाइव फिफ्थ पोजिशन पर क्या लिखेंगे, फॉर्माइल, फॉर्माइल, ठीक है, और फिर टोटल कार्बन है 7, इसलिए लिखेंगे बेटा हेप्ट एन और वन ओइक एसिड, इज इट क्लियर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन पर चलें, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहां से करेंगे आप, नहीं, नंबरिंग यहीं से करेंगे हमेशा, 1 2 3 4, अच्छा अगर इधर से भी जाते ना तो भी आपको 4 कार्बन नहीं मिलते, तो इसलिए ऐसे नंबरिंग करेंगे कि इधर से आपको ये रूट, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसमें आ जाए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको तीसरी पोजीशन पर क्या मिला बेटा, आइसोसियानो मिला क्या, आइसोसियानो, ठीक है, आइसोसियानो, इसके बाद दूसरी पोजीशन पर आपको क्या मिथाइल मिला क्या, ओके, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटेन मिला क्या, और पहली पोजीशन पर ओइक एसिड मिला क्या, और ई कैंसिल कर दिया क्या,
बोलो यार, बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? जेई मेंस का क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको टफ लग रहा है तो अभी आसान लगने लगेगा। चलिए देखिए, चल फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करो। सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप दिया गया है, नंबरिंग किधर से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से चलेंगे और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे। पहला रूल जो था, देखो, वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री ये, फोर ये, फाइव और ये, सॉरी, हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से चलेंगे और मल्टीपल बॉन्ड्स को कवर करेंगे, ठीक है? शायद फंक्शनल ग्रुप, दोबारा बोल दिया, फंक्शनल ग्रुप से चलेंगे और मल्टीपल बॉन्ड्स को कवर करेंगे, ठीक है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कवर करेंगे। तो इसके लिए अब आप प्रिफिक्स क्या लिखेंगे? एक तो आया मिथाइल, एक इथाइल और एक प्रोपाइल। देखो तीन कार्बन का चेन है ये, तो प्रोपाइल। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, फोर इथाइल लिख दिया, फोर इथाइल। फिर इसके बाद, अच्छा, ई कैपिटल होगा इसका, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ई कैपिटल कर दिया हमने, फोर इथाइल हो गया। इसके बाद टू मिथाइल, फोर इथाइल, ओके, टू मिथाइल हो गया, फोर इथाइल, टू मिथाइल, और इसके बाद आएगा क्या, थ्री प्रोपाइल, थ्री प्रोपाइल, और इसके बाद ये तीन हो गए, ओके। अब आएंगे टोटल रूट वर्ड पर, हेक्स, और इसके बाद आएगा थ्री ईन, थ्री ईन, और फिर आएगा फाइव आइन, ठीक है? वाई आ गया इसलिए ये वाला ई कैंसिल, और फिर आएगा बेटा वन ओइक एसिड, ये यहाँ ए आ गया इसलिए ये वाला भी ई कैंसिल। एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। फोर इथाइल, टू हाइड्रोक्सी, थ्री प्रोपाइल, हेक्स, थ्री ईन, फाइव आइन, वन ओइक एसिड। चल चलिए भाई, एकदम आसान हो गया, एकदम हलवा क्वेश्चन कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है? ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं शायद आपको नहीं कहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा इसको शेयर जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और नोटिफिकेशन बेल का भी आइकन ऑन करिए, ठीक है? और बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करो, पहुंचाओ, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, और पढ़ना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? आप डॉक्टर तो बने, साथ में इंसान भी बने जो कि लोगों की मदद करना सीखे, ठीक है? जो लोग भी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो फालतू के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो उनको ये सब चीजें जो आपके आसपास हैं, जो नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, ठीक है, जिनका कई सालों से नहीं हो रहा है, वो कंटेंट की तलाश कर रहे हैं, वो फालतू का पढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें वो ना करें। आप उनको इंसिस्ट करिए कि आप ये चैनल को देखें, ठीक है? चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्योंकि आप इसको गलत करोगे। इसके लिए आप चीज एक देखिए, सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहां से करेंगे, वन ये हो गया, टू ये हो गया, थ्री और ये हो गया, फोर हो गया। अब अगर ये वाला ग्रुप आप देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है? क्या आपको ईस्टर लग रहा है? क्या लग रहा है या नहीं लग रहा है? चलिए बताइए, ईस्टर लग रहा है? अगर ये ईस्टर लग रहा है तो ये यूज होगा एज अ प्रिफिक्स, क्योंकि पीछे तो साहब बैठे हैं। कौन साहब? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये प्रिफिक्स ही यूज होगा। अब एक बात एकदम ध्यान से सुन लो, कैसे? ध्यान से, चेहरा ऊपर करो और पेन थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो और ध्यान से सुनो। अगर ईथर है, ईस्टर है सॉरी, और वो हो रहा है एज अ प्रिफिक्स की तरह यूज, ईस्टर है, ईथर है सॉरी, ईस्टर है, क्या है? ईस्टर, और वो प्रिफिक्स की तरह यूज हो रहा है,
तो एक चीज इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। कौन कौन सी कंडीशन? कि अगर पेरेंट चेन से जो ईस्टर का, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर, इसका अगर कार्बन जुड़ा है, का कार्बन जुड़ा है, तो जो प्रेफिक्स लिखा जाता है बेटा, वो लिखा जाता है क्या? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखा जाता है? एल्कोक्सी और कार्बोनिल, ठीक है, एकदम क्लियर। दूसरा जो इसका एक रूल है वो क्या कहता है कि अगर अगर फंक्शनल ग्रुप अगर सॉरी जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से ईस्टर का अगर ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है बेटा? ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जो आप प्रिफिक्स लिखते हो वो क्या लिखोगे? वो लिखेंगे एल्क एन ओइल। क्या लिखेंगे? एल्केनोइल और ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी, ये कैसे लिखेंगे? एज अ प्रिफिक्स, ठीक है, एज अ प्रिफिक्स। दोबारा समझाना है क्या? दोबारा समझा दे, चलो एक बार फिर से। अगर ईस्टर है और वो प्रिफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं कि या तो जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा पेरेंट चेन से, या तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होगा पेरेंट चेन से। तो अगर बेटा कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है पेरेंट चेन से, तो हम जो प्रिफिक्स यूज करते हैं वो लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। यहां तक क्लियर है? ये तो पहले की बात है, वो आपको पता भी है। लेकिन अगर ईस्टर है और वो प्रिफिक्स की तरह यूज हो रहा है, और जो पेरेंट चेन है उससे ईस्टर का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ गया है इस बार, तो आप जो प्रिफिक्स लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? एल्केनोइल ऑक्सी। ये इसका एग्जाम्पल है, इस वजह से यहां पर हमने आपको ये चीज बताई, ठीक है। तो आप तीसरी पोजीशन पर क्या लिखेंगे? मिथेनॉइल ऑक्सी। तो क्या लिखेंगे बेटा? थ्री मिथ एनोइल और ऑक्सी, थ्री मिथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूटेन, और फिर क्या लिखेंगे? वन कार्बोक्सिलिक एसिड, वन कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम क्वेश्चन क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया है, ठीक है, कि स्टार क्वेश्चन सर जो आपने बताया था वो समझ नहीं आया है, इसको प्लीज दोबारा से समझा दीजिए, ठीक है। आप कमेंट कर जरूर करिएगा अगर आपको ये समझ नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन जो होते हैं ना वो गलत होते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे ऐसा लगता है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम चले तो एक बार फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और एक बार फिर से हमें एमाइड की तरफ हम चले। तो एमाइड को बेटा लिखते हैं कार्बामोइल, तो एकदम आसान है, लिखते हैं थ्री कार्बामोइल, कार्ब एमोइल, ठीक है, ए एम होगा, एक सेकेंड, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? थ्री कार्ब एमोइल, AMOYL, थ्री कार्बोनोइल। फिर लिखेंगे साइक्लो, पांच कार्बन की चेन है इसलिए पेंटेन, पेंटेन, और वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओके, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो
इसमें क्या करना है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस चीज को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो आपको क्या लग रहा है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहां पर शामिल किए गए हैं? चलिए बताइए, क्या आपको ईथर दिख रहा है? क्या कहीं पर दिख रहा है ईथर? देखो, मुझे तो एकदम साफ साफ ईथर की तरफ दिख रहा है। ये एक्चुअली किया क्या गया है, ये जो आपका ईथर था ना, जैसे ये एक तरफ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है और ये यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा, और ये यहाँ पर क्या किया गया है, जो CH3 होना चाहिए उसकी जगह 2 किया, यानी एक हाइड्रोजन को हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह इन्होंने OH लगा दिया है। क्या लगा दिया? OH, हाइड्रोक्सी लगा दिया, ये ग्रुप लगा दिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसा ही किया है। तो बेटा हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हाइड्रोक्सी, और हम ईथर के लिए क्या लिखते थे, एल्कोक्सी, तो हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी पहली पर लगा है, कार्बन नंबर 1 है, इसलिए क्या लिखेंगे, 1 हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, ठीक है। और ऊपर नीचे दो जगह है तो क्या लिखेंगे, 2, 2, क्योंकि ये प्रीफिक्स के अंदर प्रीफिक्स है, इसलिए क्या लिखते हैं, बिस, 2, 2, बिस, और फिर बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए ये लिखते हैं इसका नाम, तो सब चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, 2, फिर क्या लिखेंगे, बिस, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी, 1 हाइड्रो मिथॉक्सी, सॉरी, दो कार्बन, क्योंकि एक चेन में तो एक ही कार्बन है ना, क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, देख मिथ मिथॉक्सी हो गया। अब ये आपका प्रीफिक्स खत्म, फिर क्या लिखेंगे, फिर आपको लिखना है एथ, एथ है ना, दो ही कार्बन तो हैं, ये देखो 1, 2, ठीक है, और ओइक एसिड है तो ओइक एसिड लिखते हैं, या 1 ओइक एसिड लिखो और ई कैंसिल कर दो, पहले ही लिख दिया हमने, कोई दिक्कत है नहीं है ऐसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको नोट करने होते हैं, ये साइड में आपकी जो कॉपी होती है ना, या ऊपर कहीं पर ऐसी जगह नोट करो, जैसे ही आप कॉपी को वो पलटो ना, तो आपको ऊपर ही दिख जाए कि अच्छा कोई यहाँ पर स्पेशल पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट आपको फटाफट से चेक कर लो जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, यही सब पूछे जाते हैं जो पॉइंट हमने बताए। चलो भाई अगला क्वेश्चन एकदम आसान, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए ये आपको फिर से वही चीज दिखी है, और इस बार कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से 1, 2, 3, 4 नंबर आ गया, 5 और 6, ओके ठीक। चलो भाई नाम क्या लिखा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है, नाम क्या लिखेंगे, तो क्या नाम लिखेंगे बेटा, इधर क्या लिखते थे, एल्कोक्सी एल्केन लिखते थे क्या, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते थे, सॉरी एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो एल्कोक्सी की जगह क्या आएगा, प्रोपॉक्सी, कौन सी पोजीशन, 4th पोजीशन, तो क्या आएगा, प्रोपॉक्सी, इसको प्रोप ऑक्सी, और फिर आएगा बेटा कार्बोनिल, ओके ठीक है, 4 प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और 1 ओइक, नहीं ओइक एसिड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है, कार्बन काउंट जब जब नहीं होता है तब क्या लिखा जाता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम आसान से क्वेश्चन करवा रहे हैं सर आप, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके एकदम स्क्रीन पर है, और आप इसका नाम जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलो इधर से भी सर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और इधर से भी मिलेगा, तो आप नाम क्या लिखेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर एक आपको प्रीफिक्स मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 5 हो गए, और ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप मिला आपको, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्माइल,
तो नाम क्या होगा इसका, टू फॉर्माइल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्माइल, टू फॉर्माइल लिख दिया आपने। ओके, तो पांच कार्बन के लिए आपने पेंट लिख दिया और एन लगा दिया, लगा दिया। फिर क्या लिखा, 1.5 डाई ओइक एसिड। क्या ई कटेगा? नहीं, क्योंकि इस बार डी आ गया है, इस वजह से ओ नहीं कटेगा। कोई भी दिक्कत है? तो ये आपने आज का एकदम आसान सा अमेजिंग सा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। क्या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? अगर करनी है तो आप कमेंट में बताइए। फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपने, एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेटा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हमने कराई है वो आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और कुछ कोई डाउट रह गया हो आपके दिमाग में तो वो भी जरूर बताइएगा। और आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो बेटा टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नाम मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसका नाम है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री विद सौरभ सर, ठीक है, ये उसका नाम है। और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका नाम है, आप लोग देख सकते हैं और जरूर से ज्वाइन करिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जहां से भी आप करना चाहो। वैसे मैंने तो आपको बताया है कि प्रीवाईक्यूज ही सॉल्व करो, उसी में आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप जहां के चाहें वहां के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सब आपसे सॉल्व होंगे आसानी से, क्योंकि एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको पढ़ाया गया, कुछ भी छोड़ा नहीं मैंने, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया है। जो एक लेक्चर रह गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला, वो आपको मिल जाएगा, अगला लेक्चर वही है। और इसके बाद हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट जीओसी हो जाएगा वहां तक, हाइड्रोकार्बन तक, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है, ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिजिकल, जो भी आप लोग कहेंगे फिर उस हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।